हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना सिंह एंड मेरा चैनल आयुर्वेदा ब्यूटी स्टाइल। बहुत ज़रूरी है ना कि हमें इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, लाइफ में, जहां हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, हमारे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, हमारी स्किन ख़राब होती है एंड खाने का जो हमारा रूटीन सही नहीं होता है, इसलिए हमारा सारी चीज़ें जो होती है हमारे पेट से शुरू होती हैं, हमारा पेट ख़राब होता है, उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बीमारियां आनी। तो सबसे बड़ी जो जड़ है पेट ख़राब होना। अगर पेट सही है तो कोई बीमारियां नहीं होंगी। आयुर्वेदा मैंने देखा, मैं भी बहुत सारे ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, जैसे ये क्रीम है मैं इसे लगाती हूँ, मैंने इसे ख़रीदा था मार्केट से। तो जब मैं आयुर्वेदा मार्केट में ख़रीदने जाती हूँ, जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें ख़रीदते हैं, वो बहुत महंगे हैं। सच में हर कोई तो नहीं ख़रीद सकता यार, हर कोई इतना पैसे वाला नहीं है। सो हम कई बार आयुर्वेदा यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि हमें सोचना पड़ता है ख़रीदने के लिए। जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, सभी का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हैं मोस्टली, बट ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं करती। कुछ हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, जितना मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ एंड मेरा बट हाँ, इन सब से अलग एक चीज़ है जो हमारा किचन है ना, हमारे किचन में ही सारे चीज़ें मौजूद हैं। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है क्या? यही है ना, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे मसाले हैं, जो हमारे फ्रूट हैं, इन्हीं में तो है वो चीज़ें, और इन चीज़ों से हमें नेचुरली मिलता है। वो लौंग हो गई, इलायची हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, वो दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई, बड़ी इलायची तो इतनी फ़ायदेमंद है, मेथी दाना हो गया, मूंग है, चना है, ग्रीन सब्जी हैं, ये नहीं सारी चीज़ों में तो मौजूद है, हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद है, हम करते नहीं हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने आप को खूबसूरत, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। बस छोटी छोटी टिप है, अगर हम उन्हें अपनाते हैं तो। मैंने पिछले एपिसोड्स में बात किया था कि अगर गले की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, जुकाम के लिए क्या करना चाहिए, फेफड़ों के लिए क्या करना चाहिए, कब अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। सो बहुत सारे, उसे आप देखिएगा, आप पता चलेगा। इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए, कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, कई हैं जिसे मैं बता रही हूँ डिटेल्स की। 100 ग्राम किशमिश को 200 ग्राम पानी में भिगो दे, रात भर भींगती रहने दे, उसके बाद एक एक किशमिश को खूब चबा चबा कर खाएं। रक्तचाप में बहुत लाभ होता है, अत्यधिक लो ब्लड प्रेशर के कारण मूर्छा आ जाने का खतरा रहता है। उसके अलावा एक कभी कभी तो मरीज कोमा में चला जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। सो इसके लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे छाछ है ना, छाछ को 2 ग्राम हींग मिला करके कम से कम दिन में 2 बार पीना चाहिए भोजन करने के बाद, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। गाजर के रस में शहद मिलाकर पीने से भी रक्तचाप में आराम मिलता है, ये बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। गाजर का मुरब्बा भी बना करके खा सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी है। सिर में दर्द होता है, ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है, सिर में अक्सर लोगों के दर्द होता है, और ये तो मोस्टली हम कभी किसी चीज़ को लेकर के हेडेक हो जाता है, कभी वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वर्क का लोड होता है, कभी कोई चिंता, कुछ भी ऐसा। सो सिर दर्द होने के कई कारण ऐसे होते हैं ना, तो उसका कारण ये भी होता है कि अगर कई बार हमारे पेट में कब्ज रहता है, गैस बढ़ना, उच्च रक्तचाप होना, आँखों की ज्योति कमज़ोर होना आदि, और भी ऐसे कारण हैं, शरीर का कमज़ोर होना आदि कारणों से भी सिर दर्द होता है। सामान्य रूप से सिर दर्द होने पर निम्नलिखित कोई और कई और उपाय हैं,
इसके कई सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे अमृत धारा, 4 बूंद 1 बताशे में पर टपका करके खाने, और 2 बूंद रुमाल पर लगा करके सूंघने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। नींबू के पत्तों का रस निकालकर नाक में दोनों तरफ टपकाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। और एक गेंदा होता है ना, गेंदे का फूल होता है, गेंदे की जो पत्तियां होती हैं उसे ले करके तोड़ करके और उन ग्रीन हरी पत्तियों को सर पे रगड़ने से उससे भी सर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये ऐसे आयुर्वेद, ये ऐसा इलाज है जो आप करेंगे और आपको तुरंत कुछ ही देर में इसका रिजल्ट भी मिल जाता है। पर हम बहुत आदी हो चुके हैं ना इन सब चीज़ों के, जैसे कि मेडिकल्स जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, छोटी छोटी इलाज के, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं ना। चंदन है ना, चंदन पानी में घिस करके माथे पर लगाने से गर्मी के कारण होने वाले सिर दर्द में लाभ होता है। कई बार गर्मी के कारण भी सिर दर्द होता है। तिल का शुद्ध तेल 25 ग्राम, चंदन का असली तेल 10 मिलीग्राम, दालचीनी का तेल, और ये सब मिक्स करके उसमें कपूर 5 कपूर, इन सबको मिला करके एक शीशे में भर लें। इस तेल को माथे पर लगाने से सिर दर्द में तुरंत आराम मिलता है, ये बहुत अच्छा इलाज है। 2 चम्मच आंवला चूर्ण में 1 चम्मच शुद्ध घी मिला करके खा लें, ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पी जाएं, इससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है। रोज़ सुबह खाली पेट 1 मीठा सेब काट करके नमक लगा करके चबा के खाने से पुराना सिर दर्द में आराम मिलता है। ये प्रयोग भी आपको करना चाहिए। अगर आपका बहुत दिनों से सिर में दर्द हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, आप दवाइयाँ, सिर दर्द तो ऐसा है ना कि कई बार लोगों का 2-3 महीने से कंटिन्यू सिर दर्द होता रहता है। सो ऐसे इलाज के लिए जो मैंने ये बताया कि कच्चा सेब को सुबह खाली पेट नमक लगा करके खाने से अगर पुराना से पुराना जो आपका सिर दर्द है उसमें आपको आराम मिलेगा। सो अगर ऐसा कुछ है तो इसे आप अजमा सकते हैं, करिए। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा हम डेली खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सेब है, केला है, ये हमारे किचन में होता है, तो इसे आप करके एक बार अजमा लीजिए, करके देखिए, ज़रूर आराम मिलेगा। मैं दिमाग की ताकत बढ़ाने की भी बात करती हूँ कि दिमाग की ताकत कैसी बढ़ानी चाहिए। एक्चुअली हमारा कुछ, हमें प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर जो खाने की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जो प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, इसके कारण हमारा दिमाग कमज़ोर होता है। उसके लिए भी बहुत सारे इलाज हैं जिन्हें हम करके अपने दिमाग की ताकत को मजबूत कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। 1 किलो गाजर कद्दू कर लें, 4 किलो दूध में पका लें, फिर उसमें 1 पाव देसी घी, 10 बादाम डाल करके भूनें और कांच के बर्तन में भर कर रख लें। रोज़ाना 5 चम्मच उसे दूध में मिला करके खाएं। 1 महीने तक खाने से दिमाग को ताकत मिलेगी और आपका दिमाग तेज हो जाएगा, दिमाग चलने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपको हर चीज़ें भूलने लगती हैं, कुछ याद नहीं आता, हम बहुत जोर देते हैं दिमाग में, वो दिमाग की कमजोरी है। तो ऐसे उपाय करके हम अपने घर में ही और अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। इनमें कुछ बहुत पैसे खर्च होने वाले नहीं हैं। सीजन्स में हम गाजर खरीदते हैं, गाजर खाते हैं, तो हम इस तरह से गाजर को बना करके खा सकते हैं। 1 सेब को आग में जलाकर पानी के घड़े में डाल दें, इस पानी को छान करके पिए, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। सूखा धनिया, खसखस के दाने दोनों समान मात्रा में लेकर के कूट पीस करके महीन चूर्ण कर लें, इसके बराबर वजन की मिश्री लेकर के पीस कर इसे मिला लें। 1-1 चम्मच की मात्रा में 9 बजे भोजन के बाद रात को 9 बजे गुनगुने गर्म पानी या दूध के साथ इसे नियम बना लें, एक नियम पूर्वक इसका सेवन करें। इसके सेवन से स्मरण शक्ति,
नेत्र की ज्योति, गहरी नींद, इन सब में लाभ मिलेगा। नींद अच्छी आएगी, आंखों की जो हमारी ज्योति है वो भी बढ़ेगी। तो इतने सारे लाभ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसकी ताकत भी, इसे भी बराबर प्रोटीन चाहिए जो हमें, जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं उससे नहीं मिल पाते हैं। तो हम इस तरह से जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करिए, उन्हें करके देखिए, ज़रूर आराम मिलेगा। चलिए नमस्कार, हम फिर से नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, सो आई होप कि आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। बाय बाय।